नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैटर में। दोस्तों, पहले से ही भारत में कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और इस वैक्सीनेशन में दो वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदर पूनावाला ने बताया है कि उनकी कंपनी जल्दी दूसरा कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने पर काम कर रही है। ऐसे में अगर इस वैक्सीन की भी मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत की तीसरी कोविड-19 वैक्सीन होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दावा है, कोरोना की नई वैक्सीन कोवोवैक्स की ट्रायल फिलहाल जारी है और ट्रायल्स में वैक्सीन कैंडिडेट ने नए कोरोना वायरस के खिलाफ क्षमता और प्रभावकारिता के बेहतर नतीजे दिखाए हैं। आदर पूनावाला ने ट्वीट करके बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए नोवावैक्स के साथ हमारी साझेदारी है। नोवावैक्स वैक्सीन ने हाल ही में प्रकाशित नतीजों में शानदार परिणाम दिए हैं। हमने भारत में ट्रायल के लिए आवेदन की है, उम्मीद है कि जून 2021 तक कोवोवैक्स का लॉन्च कर देंगे। पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आवेदन का जांच कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन देश भर में लोगों को दी जा रही है। ऐसे में अगर सीरम इंस्टीट्यूट का कोवोवैक्स का मंजूरी मिलती है तो ये भारत का तीसरा कोरोना वायरस वैक्सीन होगा और सीरम इंस्टीट्यूट का दूसरा कोरोना वायरस वैक्सीन। भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो गई है, जिसका अभी तक पहले फेज में मेडिकल कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को दी जा रही है। तो कोवोवैक्स का बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।